तो दोस्तों इंडियन मार्केट में टाटा के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले इंडियन ब्रांड महिंद्रा की थार और एक्सयूवी 700 के बाद लॉन्च होने जा रही है स्कॉर्पियो का नया वर्जन, जिसे स्कॉर्पियो एन के नाम से भी जाना जाएगा, जहां पर इसकी कुछ नई और बड़ी डिटेल्स सामने निकल के आई हैं। वहीं स्कॉर्पियो से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में पूछा गया है, तो आंसर जरूर कीजिएगा। बात करें अगर हम इस एसयूवी डिटेल्स के बारे में, जहां पर आपको मिलेगा 2.2 लीटर का डीजल इंजन, वो भी 130-160 पीएस के साथ में, और मिलेगा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि होगा 170 पीएस के साथ में। एंड इन दिस कार आपको मिलेगा महिंद्रा का न्यू लोगो, स्लीक डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, सी शेप्ड एलईडी डीआरएल्स एंड न्यू 18 इंचेस डुअल टर्न अलॉय व्हील्स। एंड इस न्यू स्कॉर्पियो के अंदर आपको मिलेगा वर्टिकली माउंटेड एलईडी टेल लैंप्स। एंड सबसे जरूरी बात करते हैं इसकी सेफ्टी के बारे में, तो यहां पर मिलेगी सेफ्टी किट इंक्लूड इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी विद प्रोग्राम एंड साइड एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स कैमरा विद 360 डिग्री सराउंड व्यू। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि कंपनी लाइकली 5 स्टार सेफ्टी के साथ इस कार को ग्लोबल एंड कैप में सामने ला सकती है विद द 6 एयर बैग, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड इसमें महिंद्रा आपको ऑफर करेगी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्जन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो कि होगी 4x4 पावर ट्रेन के साथ। और अब सबसे जरूरी बात करते हैं इसके प्राइस रेंज के बारे में, तो यहाँ पर ये हुंडई लग्जर एमजी हेक्टर प्लस टाटा सफारी इन्हीं की रेंज के आसपास ये रहने वाली है, जहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है जो एंट्री ग्रेड पेट्रोल ट्रिम होगी वो स्टार्ट होगी 12 लाख से एक्स शोरूम प्राइस, एंड जो रेंज टॉपर होगी वो लगभग 20 लाख रुपीज के आसपास होगी एक्स शोरूम प्राइस। एंड सबसे जरूरी बात की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 27 जून 2022 को लॉन्च होने वाली है, जो की 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के टाइम पर लॉन्च की जाएगी महिंद्रा की तरफ से। एंड लास्ट में बात करें कलर्स के बारे में, तो यहाँ पर टोटल 6 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू एंड एक वेरिएंट होगा हल्का सा मॉस कलर में। एंड अब बात करते हैं आज की इस वीडियो क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन ये है कि क्या महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू वर्जन को इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च किया जाना चाहिए महिंद्रा की तरफ से। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आपको ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़े हुए और भी वीडियोस देखने हैं, तो हमने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से और वीडियोस देख सकते हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।